न्यूज चैनल यूपी तक की इस कथित रिपोर्ट की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। इसमें दिखने वाली खबर के मुताबिक वाराणसी के बाबतपुर के हेमंतपुर गांव में 6 मुसलमानों का गला काटकर एक दलित युवती फरार है। साथ में लिखा है कि इन लड़कों ने लड़की को धर्म परिवर्तन और बलात्कार की धमकी दी थी। इसमें यह भी लिखा है कि पुलिस को कई बार शिकायत करने पर भी न ही महिला को सुरक्षा दी गई और न ही मुस्लिम युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कई ट्विटर यूजर्स ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की है। वहीं फेसबुक पर भी इस कथित रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट वायरल है। हालांकि जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये एक फर्जी रिपोर्ट है। यूपी तक की वेबसाइट पर ऐसी कोई खबर नहीं है। यहीं से हमें इस कथित रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट के बारे में संदेह हुआ। ऑल्ट न्यूज ने वायरल तस्वीर ध्यान से देखी तो पाया कि इस कथित रिपोर्ट में वाक्य और वर्तनी दोनों की कई गलतियां हैं। स्क्रीन पर इन्हें लाल रंग के एरो से पॉइंट आउट किया गया है। गोमती जोन के डीसीपी ने ट्वीट करते हुए वायरल दावे का खंडन किया और कहा कि इलाके में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। वहीं इस कथित रिपोर्ट में शामिल तस्वीर के बारे में सर्च करने पर हमें पता चला कि इस मंदिर की तस्वीर इलाहाबाद के सलोरी मंदिर की है। इसके अलावा पुलिस की ये तस्वीर एक फाइल तस्वीर है जिसे कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में यूज किया गया है। वहीं कथित वायरल तस्वीर में एमपी के बजट के हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं। छानबीन करने पर हमें मालूम हुआ कि ये ग्राफिक वेब दुनिया नाम के हिंदी मीडिया आउटलेट ने मार्च 2022 में बनाया था। यूपी तक ने भी ट्वीट करते हुए इस खबर के फर्जी होने की बात बताई है। तो जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर एक बनावटी ग्राफिक यूपी तक की खबर बताते हुए एक मनगढ़ंत कहानी शेयर की गई कि वाराणसी में एक हिंदू लड़की ने 6 मुस्लिम युवकों को बलात्कार और धर्म परिवर्तन की धमकियों के कारण गला काट कर मार दिया।